किया है वो सुप्रीम कोर्ट के एम्बार्गो की वजह से हुआ था, सरकार की वजह से हुआ। सरकार ने बंद क्यों किया? सरकार ने क्यों किया ये बताइए, क्यों किया बंद? पेमेंट देने के कारण किया, पेमेंट नहीं देने के कारण किया, समय पर नहीं देने के कारण पेमेंट किया। आपने आपने क्यों नहीं पेमेंट दिया? क्यों क्या हमारे ऊपर को था, क्यों क्या हमारे ऊपर एम्बार्गो था? एम्बार्गो पेमेंट नहीं देने का थोड़ा था अमिलाल जी, एम्बार्गो में कहा लिखा हुआ था कि पेमेंट मत देना। आपका पैसा प्रॉपर्टी में था, आपका पैसा प्रॉपर्टी में था, आपके अकाउंट सीज थे, पैसा आएगा कहां से? जब आप अकाउंट सीज नहीं था साहब, अगर सारा ने गलती किया तो आप इतने निवेशक कर रहे हैं, इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारा आप ये सोचो कि आज डिबेट कर रहे हो, सारा डिबेट कर रहे हो, सारा सारा डिबेट कर रहे हो। सारी बात छोड़ दीजिए, एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट सुनिए। सुब्रत राय सहारा जी का देहावसान हुआ, उनके दो पुत्र दाह संस्कार में क्यों नहीं आए? सर निजी जिंदगी में, निजी में मैं इस डिबेट में कोई बात नहीं बताऊंगा, नहीं आए। मैं उनको बिल्कुल पैसा नहीं दिया था, मैंने सिस्टम से रस्ता दिया था, और मैंने कभी सर्टिफिकेट है इनके पास, वो सरकार का काम है, मेरा काम था, लाइसेंस दिया है, उस लाइसेंस में काम, और उस लाइसेंस में कहीं इन्वॉल्व है तो उस काम को बंद किया। नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूं दोनों पुत्र क्यों नहीं आए, हमें ये बताइए दोनों पुत्र क्यों नहीं आए? सर मैं उनके परिवार से नहीं हूं, वो बिहार में रहूंगा, यूपी में, ओडिशा, मैं राजस्थान में रहता हूं। अरे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए ना कि क्यों नहीं आए उनके दोनों पुत्र, क्यों नहीं आए दोनों पुत्र? सर गुरविंदर कुमार एक मिनट सुनिए, गुरविंदर कुमार जी बोलिए, सहारा श्री के दोनों पुत्र सहारा श्री के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए? सर इन्होंने तो एक बार भी सर डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिखा कि उनकी डेथ हुई भी है कि नहीं हुई है, अब क्या विश्वास करें लोगों के ऊपर? ये पंजाब में भी, मैं पंजाब से हूँ लेकिन अभी अब्रॉड में हूँ, और मैंने अपनी वाइफ के नाम से तो थोड़े पैसे कॉर्पोरेट सोसाइटी में जमा किए थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर 21-22 में इन्होंने पंजाब से पैसे इकट्ठे किए हैं, और इन्होंने भी किए हैं जो इनके एजेंट थे, मेरा दोस्त था, वो पैसे एक साल बिना स्लिप के लिए है, और आप बताइए कि ये क्या किया है इन्होंने? जब सब जगह बंद होगा तो पंजाब में इन्होंने क्यों शुरू किया था, पंजाब में क्यों नहीं बंद किया? क्या बोल रहे हैं? मैं अभी सर अब्रॉड में हूं, अभी दुबई में काम करता हूं, और 21 और 22 में भी इनके ऑफिस पंजाब में खुले थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनके ऑफिस थे, खुले थे, मैंने पैसा बहुत इकट्ठा किया वहां पे, NRI लोग बहुत है हमारे पंजाब में, तो बहुत पैसा इकट्ठा किया है उन्होंने, और बिना स्लिप पे भी इन लोगों ने एक एक साल तक इनके एजेंट में पैसा इकट्ठा किया है, प्रूफ पड़े हैं हमारे पास उनमें। जी एक एक एजेंट का क्या किया आपने, क्या बोला आपने कि क्या क्या किया, नहीं समझे नहीं सर? इनके एजेंट ने बिना प्रूफ के जो स्लिप देते हैं, इन्होंने बंद होने के बाद भी एक साल तक पैसे लिए, एक साल तक इन लोगों ने पैसे लिए लोगों से, वो पंजाब सोसाइटी बंद होने के बाद भी पैसे लिए। जी अमीलाल जी बोलिए सर, आपने पता भी पंजाब में बहुत बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने, अमीलाल जी बोलिए, एक साल इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, ये देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम होगा, देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम होगा। अब स्कैम हुआ किसकी वजह से, किसने कराया, मैं नहीं जानता हूं,
लेकिन जब मैं इसके और तह में जा रहा हूं, जितना मैं स्टडी कर रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। सारा इंडिया ने बिना रुपए नहीं लिया। अगर नहीं है तो प्रबंधन सामने आकर के इसको ठीक से टैकल क्यों नहीं कर रही है? प्रबंधन इसकी जांच होनी चाहिए। सहारा श्री का देहांत संदेहास्पद है। वाकई में सहारा श्री की मौत हुई है या नहीं हुई है, लोग ये भी अब सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए, या किस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है, ये जांच होनी चाहिए। ये तो सर पत्रकार महोदय आप ही पता कर सकते हैं, ये तो पत्रकार आप है, आप ही पता कर सकते हैं या सरकार इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकता। सहारा ने एक रुपया बिना रसीद के नहीं लिया, सहारा ने कोई इलीगल काम नहीं किया। अगर सहारा ने इलीगल काम किया तो सरकारी एजेंसी उसको बंद करें, बताए तो पकड़ के सजा दें। अच्छा अमीलाल जी ये बताइए, दीपावली आने को है, क्या आपको कोई सूचना है प्रबंधन की तरफ से? प्रबंधन की तरफ से कोई सूचना है? मेरे पास पूरी सूचना है, मेरे को जितनी है वो नहीं बताऊंगा, यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा। मेरे को जितनी मेरे संपर्क में मेरा सेक्टर कार्यालय भी है, रीजन कार्यालय भी है, कौन कार्यालय भी है, कमांड कार्यालय भी है, मुझे चीज की जरूरत। क्या सूचना क्या है? सूचना क्या है? सूचना तो सबसे ही वो है, मेरे घर की बात आपको बता कि क्या बताना, मेरे बिजनेस क्या है, वो सारी चीजें मेरे पास है। अभी तो मैं आज काम कर रहा हूं, मुझे दो चीजें चाहिए वो मुझे तो नहीं है। आपको आपको क्या करना होगा जानते हो? मेरा ये तो कहते हैं ना, सामने सब चीजें आ रही है, सब बात होती है, आता है, मेरे आता है, सारी चीजें। संजय यादव जी ने कहा आपका मुझे तो आ गया पीआईएल, तो मैंने लगवा दिया, अब आप लोग कहाँ हैं? संजय यादव जी आप लोग कहाँ हैं? पैसे देने समय हमसे पूछे थे क्या? पैसे दे आए, उसके बाद लड़ाई क्या हमने ले लिया, बिगड़ा, पीआईएल भी लगवा दिया, अब हैं कहां आप लोग? लाद दो, लदा दो, लादनपुर पहुंचा दो, ये चाह रहे हैं आप हमसे? लादनपुर तक हमने पहुंचवा दिया। बाकी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा सर, भारत सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास, सर आवाज आ रही है? भारत के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, भारत के नियमों को विश्वास है, और सारा भरोसा है, एक एक रुपया मिलेगा। समय जो लग रहा है कि मैं नहीं कह सकता, बाकी संस्थान कहीं आपको एक अंगूठी लगाने के लिए जगह जो मिलेगी, यहाँ संस्थान में कमी पाई गई है, कोई भी संस्थान लड़ाई नहीं लड़ सकता अगर गलत होता तो। अमरलाल जी मिलेगा कैसे वो भी थोड़ा बता दीजिए। फैसला था वो भारी कार्यक्रम इसका आपके पास, एक एक पैसा निवेशक को कैसे मिलेगा ये भी थोड़ा बता दीजिए। आदेश करेगा सुप्रीम कोर्ट जी, मेरे अमरलाल जी मैं इस देश में रहता हूँ, मुझे भारत के सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं। अमरलाल जी आप राजस्थान से आते हैं, आप तो एकदम गजब का वो जो ये वाला खेल नहीं होता है डमरू वाला, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, उसको क्या कहते हैं, कौन सा खेल कहते हैं उसको, मदारी वाला खेल, हाँ मदारी वाला। तो आप क्या कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि पैसा कैसे मिलेगा, तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट को पैसा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए संस्थान काम कर रही है, संस्थान